ये दृश्य है नमस्ते चौक करनाल का, जहाँ पे आप खड़े हैं इस वक्त में। आप देख सकते हैं कि नमस्ते चौक करनाल पे पूरा का पूरा इस टाइम पे ट्रैफिक आपको चलता नज़र आ रहा है। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये नमस्ते चौक के इस तरफ का स्थान है जहाँ पे यात्री अपने गंतव्य की ओर, दिल्ली की ओर जाते हैं। यहाँ पे कुछ युवाओं की टीम आप साथ में देख रहे हैं, इनके हाथ में एक ड्रिल मशीन, साथ में पानी बॉटल, बच्चे के हाथ में पौधा। आप ये देख रहे हैं कि एक नज़ारा, अद्भुत नज़ारा है। इन्होंने एक सत्या फाउंडेशन नाम की एक संस्था इन्होंने शुरू किया है अपना एक अभियान, जिसके अंदर ये मोटिव है सभी युवाओं का कि संडे के संडे कम से कम 200 पेड़ ये लगाएं। हर संडे को ये टोली निकलती है, कम से कम 15-20 लोगों की टोली है। कुछ यहाँ है, कुछ उस तरफ शहर दूसरी तरफ में आपको दिखेंगे, उस तरफ में आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि हर पेड़ को उसका एक स्थान मिले। स्थान मिलने के साथ ये युवा कोशिश कर रहे हैं कि अपना अपना एक पौधा ये अडॉप्ट करें। सबसे पहले जानना चाहेंगे नवीन जी से, नवीन जी क्या कहना चाह रहे हैं आप इस? नमस्कार, हमारा करनाल की जनता से यह अपील है, जिस तरह हमने कोरोना के टाइम में बड़ा दुख का समय देखा है, तो आने वाले समय में एक एक सांस हमारे लिए सजा होगी थी, तो उसी को पाठ करते हुए हमारे साथ कुछ स्कूल गोइंग बॉयज़ हैं। हमने प्रण लिया है कि हम हाईवे पे जहाँ छाँव की जरूरत है वहाँ पे हम पेड़ को लगाएंगे, और हम पेड़ को लगा के छोड़ेंगे नहीं, उसकी जिम्मेवारी और पालन लेंगे। ये साथ में हमारे एक भाई साहब हैं, ये इस पेड़ को रखड़ी बांधेंगे और संकल्प लेंगे कि मैं इसकी रक्षा करूँगा। और ये अपने लिए संकल्प नहीं ले रहे, ये सिर्फ करनाल की जनता के लिए ले रहे हैं, ताकि आने वाला राहगीर छाया इसमें बैठे, और हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं। हमारे साथ ये भाई साहब जुड़े हुए हैं, शुभ नाम, हम दो शब्द इनसे भी जाना चाहेंगे। मेरा नाम गुलशन है, संस्था के साथ आज ही जुड़ा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी के सभी उत्साहित हैं, सभी ऐसा कर रहे हैं जैसे उनके घर का खुद का कार्य हो। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं, सभी लगे हुए हैं, और पेड़ को अपना भाई समझ के, अपना घर का मेंबर समझ के, उस हिसाब से सुरक्षा के साथ पेड़ लगा रहे हैं यहाँ पर। और आप सभी से अपील है कि आप भी जरूर एक पेड़ अपने जीवन में जरूर लगाएं। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आप इस पेड़, इस अभियान के बारे में? आप क्योंकि राहगीरों की रोज़ देखते हैं कि किस तरह की समस्याएं लोगों को आती हैं। ये कहना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, और लगाने की जगह उनकी सार संभाल ज़्यादा की जाए, ताकि आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी ना रहे, जो आप सभी ने कोरोना के टाइम में देखी है। तो सभी से अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और उनकी सार संभाल करें जी। अच्छा, एक निवेदन है, आपने इसको रक्षाबंधन से पहले रक्षा, बिल्कुल इसकी रक्षा भी करनी है, क्योंकि आपका काम नहीं है, आने वाले हमारे बच्चों को हमने सीख, ऑक्सीजन कुछ देके जाना है। और हमने देख लिया है, पैसा फेल, सब कुछ फेल, मैं कुछ भी नहीं हूँ, पेड़ है तो सब कुछ है, तो आज से मैं बिल्कुल सार संभाल की जाएगी। कुछ युवा और खड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस अभियान के बारे में? मैं तो अपना स्टार्टिंग से भैया के साथ इसी कार्य में जुड़ा हूँ, मैंने बस मेरे को तो अपना अच्छा लगता है कि मैं भैया के साथ अपना ऐसे ऐसे कामों में लगा रहता हूँ। और मेरे को पेड़, और मेरे तो बस यही कहना है कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, ताकि अपना पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और अपना ऑक्सीजन भी लोगों को सही मात्रा में मिले। आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा भी इस अभियान में जुड़ा हुआ है। क्या नाम है बेटा आपका? केशव। थोड़ा मास्क नीचे करके बताएं। केशव नैन। क्या आप क्या लेके आपके साथ में, हाथ में क्या रखा हुआ है आपने? ये पेड़। आप किस लिए आए हुए हैं यहाँ पे आज? मैं यहाँ पे पेड़ लगाने के लिए आया हूँ। वेरी गुड। और भी युवा कई सारे आप देख सकते हैं कि इस अभियान से जुड़े हुए हैं। और ना केवल इस अभियान को पानी देना, पौधे लगाना, बल्कि आप देखेंगे इस अभियान के साथ साथ एक इन्होंने अभियान और साथ में चलाया है कि ये जो पेड़ हैं इनकी रक्षा भी हो सके। इनकी रक्षा के लिए साथ साथ आप देखेंगे कंटीली तारों के साथ में सपोर्ट दी गई है, कंटीली तारों के साथ में जंगला बना के, क्योंकि लोहे के जंगले बड़े दुश्वार हैं और काफ़ी कॉस्टली है, तो इसलिए कोशिश की गई है। देखिए, अब देखिए राहगीर कितने परेशान हैं, यहाँ पर कोई छाया का इंतजाम कुछ नहीं है, इसलिए शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ राहगीर यहाँ भी खड़े हैं जो बिना छाया के धूप में खड़े हैं। अब ये देखिए इस कंटीली तारों के साथ लगा के और पेड़ पौधे का पूरा देखभाल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि पशु पक्षी इसको ना खाए। धन्यवाद।